हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस पर मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने कुछ दिन पहले जो एक प्रीव्यू वीडियो अपलोड किया था मैप चेंज ट्रांजिशन के ऊपर में, उसका ट्यूटोरियल वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आओ। तो भाई आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं मैप चेंज या फिर सीन चेंज या फिर मैप चेंज ट्रांजिशन, आप जो चाहो बोल सकते हो। इसको हम क्रिएट करेंगे प्रीमियर प्रो का यूज करके, और इसको क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन की जरूरत नहीं है। प्रीमियर प्रो के अंदर में जो भी इनबिल्ट इफेक्ट्स आते हैं उन्हीं का यूज करके इस इफेक्ट को क्रिएट करना है। और गाइस, ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ पबजी या फिर बीजीएमआई मॉन्टाज के लिए लिमिटेड नहीं है। आप कोई भी गेम प्ले का मॉन्टाज बना रहे हो, चाहे फ्री फायर का बना रहे हो या फिर कॉडम का बना रहे हो, आप उसमें सिमिलर कंसेप्ट का यूज करके इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। और प्रीव्यू में जैसे आपने देखा होगा कि मैंने मीरामार टू इरेंगल या फिर टीडीएम में मैप चेंज किया था, आप और अलग अलग मैप का भी यूज कर सकते हो। सैनोक्लिविक, आप जो चाहो अपने अकॉर्डिंग में अपने अनुसार उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलो अब डायरेक्टली चलते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर में और देखते हैं कैसे इस इफेक्ट को क्रिएट करना है स्क्रैच से। तो अब प्रीमियर प्रो के अंदर में आने के बाद में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट किया हुआ था वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें से मैंने जो कलर ग्रेडिंग है या फिर जो हमने डस्ट इफेक्ट ऐड किया था या फिर जो अर्थक्वेक इफेक्ट जो ऐड किया था, जो भी इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर वेयर हाउस या फिर कंटेनर जब आ रहा था, तो उन सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर दिया हूँ। तो हमारा ये अभी नॉर्मल सा एक क्लिप हो गया है जिस पर मैंने ट्रांजिशन अप्लाई किए हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको एक बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेने के क्या करना, आपको एक ओपन मैप में ले लेना है, यानी कि आपको एक ओपन मैप में कोई रूम वगैरह बना के थर्ड पर्सन में आप यहाँ पर इसका एक क्लिप ले लेना, जैसे कि मैंने लिया है। तो आप मोस्टली ये ट्राई करना, आप जिस भी लोकेशन का ले रहे हो वो जितना ज़्यादा खुला जगह रहे वहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पर मीरामार का लिया है, आप अकॉर्डिंग में अपने अकॉर्डिंग में कोई भी मैप का यूज कर सकते हो, तो उस टाइप से आप कर सकते हो। तो इसको स्क्रैच से क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इन सारी लेयर्स को डिलीट कर दूंगा। सारी लेयर्स को डिलीट करने के बाद में हमारा ये नॉर्मल सा ये बैकग्राउंड बच गया। अब क्या करूँगा, ये जो हमारा रॉ क्लिप था इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना कीबोर्ड में, ऑल्ट या फिर ऑप्शन की यहाँ पर ड्रैग कर लेना, तो आपका यहाँ पर ये लेयर आ गया। अब क्या करना है, आपको उस वाले पॉइंट पर आ जाना है जहाँ पर आपका हेडशॉट कनेक्ट हो रहा होगा, जहाँ पर आपका शॉट लग रहा है। तो मेरा इस पॉइंट पर लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद में शिफ्ट प्रेस करूँगा, लेफ्ट एरो की को एक बार प्रेस करूँगा, तो 10 फ्रेम में पीछे आ गया हूँ। 10 फ्रेम पीछे आने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट को क्लिक करना। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस वाले पॉइंट पर आपने क्लिक किया था जो वाला फ्रेम पे, वो फ्रेम वहाँ से आपका फ्रेम पूरा फ्रीज हो जाएगा, यानी कि सिंपल सा आपका ये पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट में इस फर्स्ट वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर दूंगा, इस लास्ट वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके इधर ले आऊंगा और इसको यहां तक इंक्रीज कर दूंगा। अब नेक्स्ट में अब इसमें हम मास्क अप्लाई करेंगे। मास्क हम कितने ऑब्जेक्ट या फिर कितने कैरेक्टर्स में अप्लाई करेंगे वो आपका लेयर पर डिपेंड करेगा, यानी कि हमें इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है। कितना लेयर क्रिएट करना है, उतना ही जितना आपको मास्क अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यहाँ पर एक कैरेक्टर मास्क होगा, उसके बाद मैं इस स्लैब को मास्क करूंगा, देन इस कंटेनर को मास्क करूंगा, देन इस एनिमी मास्क होगा, उसके बाद ये वेयर हाउस हमारा, इसको मास्क करके आउट करेंगे बैकग्राउंड से, देन ये छोटा वाला कंटेनर और ये पीछे में जो आपको जंगल पहाड़ दिख रहा है ये, देन स्काई, उसके बाद हमारा ये ग्राउंड जो ग्रास है। तो इतने सारी चीज़ों को मास्क करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करने के लिए वही सिमिलर प्रोसेस है, ऑल्ट या फिर ऑप्शन की दबाना, उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में ड्रैग करते जाना, आपका यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर क्रिएट होते जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगभग 9-10 तो डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक एक लेयर को मास्क करूँगा एक एक ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं इस नीचे वाले लेयर को इस कैरेक्टर के लिए मास्क करूँगा, देन उसके बाद इस ऊपर वाले लेयर्स को मास्क करूँगा जो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा जो इसको मैं कैरेक्टर के लिए मास्क कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ओपेसिटी में जाना है और यहाँ से आपको पेन टूल ले लेना है और इसके बाद इसको आप अपने अकॉर्डिंग में आराम आराम से मास्क कर लेना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फटाफट इसको पहले सबसे पहले मास्क कर लेते हैं। तो गाइस, जब देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर कैरेक्टर ये मास्क हो गया, आपके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फेदर को जीरो कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा पीछे प्लेस कर दूंगा। तो अब देखना कि मेरा कैरेक्टर जो बैकग्राउंड से पूरी तरीके से मास्क आउट हो गया है। तो सिमिलरली क्या करना है, आपको एक एक क्लिप को यहाँ पर ले आते जाना है और एक एक चीज़ों को मास्क करते जाना है, यानी कि ये स्लैब हो गया। अब जो भी मैप का यूज कर रहे हो, जिस भी मैप से जो भी चीज़ में ट्रांजिशन कर रहे हो, अब देख लेना आप कि आपको किस किस चीज़ में ट्रांजिशन के रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज़ को आपको मास्क आउट करना है। अब सिमिलरली करेक्टर के टाइप का उसी टाइप से सारी चीज़ों को मास्क कर लेना, आराम आराम से अपना टाइम देखे। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है और मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को, सारी ऑब्जेक्ट्स को मास्क नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं सारी ऑब्जेक्ट्स को अगर मास्क करने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं कट करता हूं और यहां पर मैं दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं जिसमें मैंने सारी चीजों को मास्क किया हुआ है। इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि देख सकते हो कि मेरा यहां पर सारी चीजों को मैंने मास्क कर लिया था और इसके बाद मैं इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के लिए यहां पर आना, राइट क्लिक करना और यहां से रीनेम कर लेना। रीनेम इसलिए करना क्योंकि जाके अब जब बीट के साथ में इसको एनिमेट करो तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि आप किस चीज पर एनिमेशन अप्लाई कर रहे हो। तो देखना कि मेरा यहां पर सारी चीजें यहां पर आ गई हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन सभी को पकड़ता हूं। सबसे पहले मैं इस रॉ क्लिप को साइड कर लेता हूं, ये ऊपर वाली सारी चीजों को पकड़ूंगा, मैं इसको यहां पर ड्रैग कर दूंगा ताकि हमारा यहां पर सिंपल अभी कैरेक्टर ही यहां पर है। इसके बाद क्या करूंगा, आपको यहां पर जैसा कि दिख रहा होगा मेरा म्यूजिक है, मैंने म्यूजिक को यहां पर इसलिए म्यूट करके रखा हुआ है क्योंकि भाई कॉपीराइट आ जाता है। तो इसके बाद मेरा जो भी बीट्स है, इस बीट्स पे हमें एनिमेशन अप्लाई करना है। तो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए क्या करना है, इस वाले फर्स्ट वाले बीट पर मैं आता हूँ। फर्स्ट वाले बीट पर आने पर इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखना कि मेरा मास्क तो ऑलरेडी अप्लाइड है, जिसको मैं हाइड कर लेता हूँ। उसके बाद इसके पोजीशन को मैं सबसे पहले एनिमेट करूँगा। एनिमेट करने के लिए यहाँ पर एक की फ्रेम अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं 5 फ्रेम पीछे आ जाना है। आप 10-15 आप जाओ जितना भी फ्रेम ले सकते हो, लेकिन वो फ्रेम का जो डिस्टेंस डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड कर रहा है आपका बीट के ऊपर में। आप किस भी म्यूजिक पर, आप जिस भी म्यूजिक पर काम कर रहे हो उसका आप बीट पहले रिकॉग्नाइज कर लेना, उसी बीट पर आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है ताकि आपका इफेक्ट जो है ज़्यादा कूल लगे। तो मेरा जो म्यूजिक का जो बीट्स है बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 5-5 फ्रेम पीछे आऊँगा। यानी कि सबसे पहला बीट पर मैं मार्क लगा लिया, एक की फ्रेम अप्लाई कर लिया, उसके बाद 5 फ्रेम मैं पीछे आ जाता हूँ। 5 फ्रेम पीछे आने के बाद मैं वापस एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे और इस फर्स्ट वाले की फ्रेम में क्या करूँगा, इसका एक्स पोजीशन को मैं लूंगा इस करेक्टर का, इधर इसको ड्रैग कर दूंगा। तो हमारा जो एनिमेशन आएगा इस टाइप से एनिमेशन आएगा, यानी हमारा करेक्टर राइट से लेफ्ट की साइड में घुस रहा है। तो ये तो हो गया। अब क्या करना है, सेकेंड वाले मार्क पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं हमारा जो वेयर हाउस को मैं एनिमेट करूंगा। तो मैं इसको मैं ड्रैग करके इधर ले आया हूँ। तो सेकेंड में वेयर हाउस पर आ रहा हूँ। वेयर हाउस में आने के बाद में हमारा वेयर हाउस आ गया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम आ गया जाता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके इधर ले आता हूँ। थोड़ा सा आगे इसको कर लेते हैं और यहाँ पर एक की फ्रेम पोजीशन पर इसको अप्लाई कर देता हूँ। फिर वापस से 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम पीछे वापस से अपन बीट पर आ गए हैं। बीट पर आने के बाद में यहाँ पर और एक की फ्रेम अप्लाई करना है, देन फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आ जाना है और इसके बाद इसका वाई पोजीशन को मैं एनिमेट करूँगा ताकि हमारा जो वेयर हाउस है वो ऊपर से नीचे आए। तो हमारा ये इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हमारा वेयर हाउस भी यहाँ पर एनिमेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले बीट पर आऊँगा। ये वाले बीट पर आने के बाद में यहाँ पर हम अब इस स्लैब को एनिमेट करेंगे। ये हमारा जो लेफ्ट स्लैब है, इस स्लैब को एनिमेट करूँगा। तो स्लैब को एनिमेट करने के लिए वापस से यहाँ पर स्लैब पर आ जाना है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है, एक की फ्रेम अप्लाई कर लेना है इसके पोजिशन पर। देन वापस से 5 फ्रेम पीछे आ जाना है। 5 फ्रेम पीछे आने के बाद में एक और की फ्रेम अप्लाई करना और इसका एक्स पोजिशन को मैं इधर ले लूँगा। तो हमारा अब इस टाइप से ये आ रहा है। देन यहाँ तक तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस से इस वाले बीट पर आऊँगा। इस वाले बीट पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, हमारा इस बिग वाले कंटेनर को लाऊँगा। बिग वाले कंटेनर को लाके यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। देन अगेन से पोजीशन पर एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे। वापस से 5 फ्रेम पीछे आएंगे और एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे। इसका वाई पोजीशन को मैं पकड़ के ऊपर ले जाऊँगा। तो हमारा जो एनिमेशन होगा अभी कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब क्या करूँगा, वापस से आगे वाले फ्रेम पर आऊँगा। यहाँ पर हमारा हो गया है, आगे वाले बीट पर आऊँगा। देन स्मॉल कंटेनर में आ जाते हैं। स्मॉल कंटेनर में आने के बाद में यहाँ पर इसका पोजीशन पर क्लिक करूँगा। देन वापस से 5 फ्रेम पीछे आऊँगा। पीछे आने के बाद में यहाँ पर और एक की फ्रेम अप्लाई करेंगे उसको, और इसको उठा के मैं ऊपर कर दूँगा। तो हमारा यहाँ पर ये इस टाइप से इसका इफेक्ट निकल के आएगा, ऊपर से जैसे कि हमारा नीचे गिर रहा है। देन अब नेक्स्ट में क्या करना है, मैं अब फॉरेस्ट को एनिमेट करूँगा। तो इस वाले बीट पर आ जाना है। इस वाले बीट पर आने के बाद में मैं फॉरेस्ट को इधर ले आऊँगा। फॉरेस्ट को लाने के बाद में इसका मैं क्या करूँगा, पोजीशन को रहने देते हैं हम, इसका सिर्फ स्केल को एनिमेट कर लेंगे और वापस से 5 फ्रेम पीछे आ जाते हैं। तो 3, 4, 5 और इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। आने के बाद मैं यहाँ पर और एक की फ्रेम अप्लाई कर दूँगा और स्केल को मैं कर दूँगा पूरा 0 ताकि हमारा जो एनिमेशन हो यानी कि वो छोटा से बड़ा हो। तो इस टाइप से हमारा फॉरेस्ट भी एनिमेट हो गया है। अब क्या करूँगा, वापस से इस वाले बीट पर आऊँगा। अब स्काई को एनिमेट करना है। सो स्काई को एनिमेट करने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ स्काई पर, और इसका स्काई को क्या करूँगा, मैं इसका ओपेसिटी को एनिमेट करूँगा। इसका पोजीशन को नहीं करना है क्योंकि स्काई हमारा जो चेंज होगा वो एक स्काई से दूसरा स्काई जो चेंज होगा वो ओपेसिटी के थ्रू चेंज हो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इसके लिए ओपेसिटी में आना है
और इस मास्क वाले लेयर को हाइड कर देते हैं। तो ओपेसिटी में की फ्रेम अप्लाई करना, वापस से 5 फ्रेम पीछे आना, यहाँ पर वापस से की फ्रेम अप्लाई करना, इसका ओपेसिटी को जीरो कर देना ताकि हमारा जो एनिमेट हो वो इस टाइप से हमारा ये हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ पर स्काई ये मिरामार का स्काई से रेंगल का स्काई हुआ। आप ग्लो वगैरह बाद में कुछ जो भी चाहो आप ऐड कर सकते हो, फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देन इस वाले की फ्रेम पे आना है। इस वाले की फ्रेम पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, नीचे का जो हमारा जो ये ग्रास वाला लेयर था इसको मैं एनिमेट करूँगा। तो ग्रास वाले लेयर के लिए इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और ग्रास को भी मैं ओपेसिटी के थ्रू ही एनिमेट करूँगा। और ओपेसिटी पर एक की फ्रेम अप्लाई कर देना है, देन वापस से 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम पीछे आना है, एक की फ्रेम अप्लाई करना, उसके बाद ओपेसिटी को जीरो कर देना। तो हमारा जो यहाँ पर एनिमेशन हो रहा है वो इस टाइप से ये एनिमेशन हो आपका, जो ये ट्रांजिशन जो हो रहा है नीचे का ग्रास का ग्राउंड का वो इस टाइप से हो रहा है। तो इतना तक तो हो गया है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हमने जहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कैरेक्टर से मास्क आउट किया था एनिमी का कैरेक्टर है, तो मेरा यहाँ पर जो ये ग्रास दिख रहा था तो इसको मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर और एक मास्क अप्लाई कर दूंगा। इसको मैं इसी के ऊपर में ले आता हूँ। इसी के ऊपर में लेने लाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से इस वाले मास्क को मैं यहाँ से, ये जो मास्क मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था छोटा सा ये ग्रास का डुप्लीकेट, तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले जूम कर लूँगा। जूम करने के बाद में मैं इसका पोजिशन को एनिमेट कर लेता हूँ। पोजिशन को एनिमेट नहीं करना है, सिंपल आपको मैं क्या करूँगा, इसको ड्रॉप करके इधर कर दूँगा और इसका स्केल को थोड़ा बड़ा कर दूँगा ताकि हमारा जो करेक्टर है वो ढक जाए। और इसका मैंने कुछ फेदर वगैरह अप्लाई कर दिया। तो अब देख सकते हो कि मेरा जो कैरेक्टर है वो नीचे का जो ब्राउन कलर का जो दिख रहा था वो अभी नहीं दिखेगा, मतलब मेरा जो ट्रांजिशन जो हो रहा है मेरा कंटेनर और इसके बीच में कैरेक्टर आ गया। तो मैं इसको ढकने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा इसको यूज कर लिया हूँ। तो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो इतना तक तो हमारा अब हो गया है। अब क्या करना है, एनिमी को लाना है। सो एनिमी को एनिमेट करने के लिए इस वाले पोजिशन पर आ जाता हूँ। ग्रास तो हमारा यहाँ पर आ गया है। ग्रास आने के बाद में इसको भी मैं एनिमेट कर लेता हूँ। इसका ग्रास का क्या करता हूँ, यहाँ से ओपेसिटी से इसका दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। एक काम करते हैं, इसी में हम अपन प्लेस कर देते हैं, इस वाले पोजीशन पर आ जाता हूँ। देन ओपेसिटी को यहाँ पर एनिमेट कर लेते हैं। एनिमेट करने के लिए यहाँ पर एक की फ्रेम अप्लाई करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम पीछे आ जाता हूँ। यहाँ पर वापस से की फ्रेम अप्लाई करके इसको जीरो कर दूंगा। तो अब दोनों देखना एक साथ सिंक में आ रहा है। तो इतना तक हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एनिमी को लाऊंगा। सो एनिमी को लाने के लिए इस वाले पोजीशन पर आता हूं और ये बड़ा वाला एनिमी को सबसे पहले इधर ले आते हैं। सो इस पर आना है और इसके बाद में इसका पोजीशन पर क्लिक करूंगा और स्केल पर, दोनों पर एक एक की फ्रेम अप्लाई कर दूंगा। देन वापस से 5 फ्रेम पीछे आते हैं और इसके बाद में इसका एक एक की फ्रेम यहाँ पर वापस से अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखना कि मैं इसका स्केल को बड़ा कर देता हूँ। लगभग मैं इसका स्केल को 450 कर दूंगा और इसका पोजीशन को मैं इधर कर देता हूँ। अब देखना हमारा एनिमेशन किस टाइप का निकल के आ रहा है। तो हमारा ये ग्रास आया, उसके बाद ये एनिमेशन हमारा ये एनिमी इधर से इधर आ रहा है। तो इतना तक तो अब हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। तो एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। तो इतना तक एनिमेशन होने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा जो अर्थक्वेक इफेक्ट और जो डस्ट वगैरह था ये सब अब अपन ऐड करेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट और ज़्यादा कूल लगेगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर छोटा करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर ये टिल्ट बटन दबा के इसको फुल स्क्रीन में ले आऊँगा। उसके बाद मैं इस वाले पॉइंट पर आता हूँ जहाँ से हमारा जो सीन चेंज हो रहा है, इन सारे क्लिप्स को क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के करूँगा, ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, वापस से इस स्क्रीन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारा जहाँ पर शॉर्ट लग रहा है इस वाले लेयर में यहाँ पर आ जाऊँगा, जहाँ पर हमारा शॉर्ट लग रहा है, यहाँ पर हमारा शॉर्ट लग रहा था। तो यहाँ पर से मैं कंट्रोल के करके इसको डिलीट कर दूंगा, इसको यहाँ पर हाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इसको पोजीशन पर प्लेस कर दूंगा। अब देखना कि हमारा यहाँ पर आया, ये सारी चीज़ें आई, उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट लगा मैप ट्रांजिशन होके और हमारा यहाँ पर इफेक्ट आ गया। तो भाई इतना तक में हमारा एनिमेशन का तो काम अभी कम्प्लीट हो गया है, लेकिन इसमें अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसमें वाइब्रेशन या फिर अर्थक्वेक इफेक्ट ऐड करना और जो हमारा जब इम्पैक्ट हो रहा है उसमें डस्ट इफेक्ट ऐड करना। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद में ही हमारा जो इफेक्ट है वो ज़्यादा कूल लगेगा। तो इन सब चीज़ों को ऐड करने के लिए क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, उसके न्यू आइटम में जाके एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस एडजस्टमेंट लेयर को ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको सबसे पहले कंट्रोल और के करके स्प्लिट करके इस वाले पोर्शन को डिलीट कर दूंगा। अब क्या करना है, इस एडजस्टमेंट लेयर पे हमें एक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो इफेक्ट्स में आना, यहाँ से सर्च करना डायरेक्शनल करके, तो यहाँ पर मिलेगा एक डायरेक्शनल ब्लर।
तो इसको ड्रैग करके इस वाले लेयर पर ड्रॉप कर देना है। तो ड्रॉप करने के बाद क्या करना है, वापस से यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ से इसको क्लिक करके की फ्रेम पर आ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर अभी फर्स्ट में की फ्रेम शो होने लगेगा, तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आऊँगा यहाँ पर जहाँ से हमारा अभी कैरेक्टर ये इन हो रहा है। तो इस वाले फ्रेम पर आते हैं, इस वाले फ्रेम पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले फ्रेम पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, वापस से मैं क्या करूँगा इधर ऊपर आ जाऊँगा इस वाले एडजस्टमेंट लेयर पर। यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्शनल ब्लर में इसका ब्लर लेंथ और डायरेक्शन में एक एक की फ्रेम अप्लाई कर दूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और राइट एरो की को दो बार प्रेस करूँगा तो मैं 20 फ्रेम आगे आ गया हूँ। यहाँ पर वापस एक एक फ्रेम अप्लाई कर देंगे, एक एक की फ्रेम, देन फर्स्ट वाले पर आते हैं, उसके बाद एक फ्रेम पीछे आऊँगा और यहाँ पर मैं एक की फ्रेम अप्लाई कर दूंगा। तो देखना कि हमारा यहाँ पर अब एक फर्स्ट में की फ्रेम है, देन एक फ्रेम के बाद में सेकेंड की फ्रेम है, उसके बाद 20 फ्रेम के बाद में थर्ड की फ्रेम है। तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड वाले की फ्रेम पर आऊँगा, इसका डायरेक्शन को कर दूंगा 90 डिग्री और इसका ब्लर लेंथ को कर दूंगा मैं यहाँ से 40। तो अब देखना कि हमारा इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है, तो जो कैरेक्टर हमारा जो घुस के आ रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा वाइब्रेशन इफेक्ट आया। तो इतना तक तो हमारा कैरेक्टर का हो गया। अब क्या करना है, वापस से मैं इस वाले वेयरहाउस वाले क्लिप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसका मोशन में आके यहाँ पर फर्स्ट वाले सेकेंड वाले की फ्रेम पर आना है जहाँ पर हमारा इम्पैक्ट हो रहा है। ये तो हमारा फर्स्ट हुआ, यहाँ पर सेकेंड में जहाँ पर हमारा इम्पैक्ट हो रहा है ग्राउंड के साथ में, यहाँ पर आ जाना है। और इसके बाद में इस वाले लेयर पर आना, मैं नीचे वाला क्लिप का उसमें इसलिए आ रहा था कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर आना है, देन अगेन यहाँ पर डायरेक्शनल ब्लर में यहाँ पर एक की फ्रेम अप्लाई करना, यहाँ पर वापस से एक की फ्रेम अप्लाई करना। तो डायरेक्शन में तो हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन का की फ्रेम को हम रहने देते हैं, खाली ब्लर लेंथ में अप्लाई करेंगे। उसके अंदर क्या करूँगा, शिफ्ट और राइट एरो की को दो बार प्लेस करूँगा तो 20 फ्रेम आगे आ गया हूँ। यहाँ पर और एक की फ्रेम अप्लाई करूँगा, देन अगेन फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आते हैं, उसके बाद एक फ्रेम पीछे आऊँगा, की फ्रेम अप्लाई करेंगे। तो अब क्या करूँगा, सेकेंड वाले की फ्रेम का वैल्यू को मैं कर दूँगा यहाँ पर 40। ये हमारा हो गया। तो अब हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से निकाल के आ रहा है। तो ये जो हमारा इम्पैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट का आपको असर दिख रहा होगा। सो ये तो हो गया। अब क्या करूँगा, हमारा जो स्लैब जो आ रहा है यहाँ पर मैं एक फ्रेम और अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर तो 0 हो गया। तो वापस से मैं एक फ्रेम आगे आता हूँ और यहाँ पर एक की फ्रेम और अप्लाई करूँगा, देन अगेन शिफ्ट और लेफ्ट एरो की को दो बार प्रेस करूँगा और एक की फ्रेम अप्लाई करूँगा, देन सेकेंड वाले पर आऊँगा, इसका वैल्यू को मैं कर दूँगा 40 डिग्री। तो हमारा जो स्लैब जो आ रहा है ये भी यहाँ पर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, लेफ्ट का हो गया। अब हमारा जो कंटेनर का जो इम्पैक्ट हो रहा है उस पर एक हम अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने का सबसे इजी तरीका क्या है, इनको आपको सिलेक्ट करना है, इन की फ्रेम्स को 1, 2, 3 की फ्रेम्स को इसको सिलेक्ट करना, यहाँ से कंट्रोल सी कर लेना। कंट्रोल सी करने के बाद में यहाँ पर जहाँ पर हमारा कंटेनर का इम्पैक्ट हो रहा है, बिग कंटेनर में आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसका की फ्रेम एग्जैक्ट लोकेशन पर आ जाते हैं, देन अगेन यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देना, कंट्रोल वी कर देना इस वाले पोर्शन पर आके डायरेक्शन ब्लर में, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर इस टाइप से इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इतना तक तो हो गया। अब बड़ा कंटेनर का तो हो गया, छोटा कंटेनर में इसको इग्नोर कर देते क्योंकि इसी के साथ में वाइब्रेशन में आ जा रहा है। अब यहाँ तक तो हमारा अब वाइब्रेशन इफेक्ट क्रिएट हो गया है। सो इतना होने के बाद में अब क्या करूँगा, इस पर मैं डस्ट इफेक्ट ऐड करूँगा। सो डस्ट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक मेरा ऑलरेडी डस्ट वाला था, डस्ट का ऑलरेडी यहाँ पर मेरा क्रिएटेड था, मैंने इसको YouTube से ही डाउनलोड किया था, ग्रीन स्क्रीन वाला है। सो मैं इसको ड्रैग करूँगा और ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पर हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए। अल्ट्रा यहाँ पर सर्च करना, तो यहाँ पर अल्ट्रा की मिलेगा, इसको ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर लेना, देन इफेक्ट्स कंट्रोल पर आना। इफेक्ट्स कंट्रोल में आने के बाद में यहाँ से आपको इस कलर पिकर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर करना है, तो हमारा ये गायब हो जाएगा। तो अब देखना यहाँ पर अब हमारा डस्ट भी आ गया है। सो डस्ट तो आ गया, अब इसको हमें डस्ट को अपना जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारा कंटेनर वगैरह उसके साथ में अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, हमारा ये जो वेयर हाउस आ रहा है, सो वेयर हाउस के ऊपर में इस डस्ट लेयर को प्लेस करना है। तो इन सभी लेयर्स को मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ। सभी लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको एक ऊपर ले जाऊँगा, एक स्टेप ऊपर ले जाऊँगा, उसके बाद इसको मैं लाऊँगा यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, उस वाले पोर्शन पर आता हूँ जहाँ पर हमारा डस्ट ये दिख रहा है यहाँ पर डस्ट, तो मैं इसको कंट्रोल के करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये वाला पोर्शन पर। उसके बाद मैं उस वाले पोर्शन पर आ जाता हूँ यहाँ पर जहाँ से हमारा इम्पैक्ट हो रहा है,
तो इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप अपना अकॉर्डिंग में करके देख लेना, इसमें थोड़ा आपको प्रिसीजन लेना पड़ेगा ताकि आपका इफेक्ट अच्छा दिखे। जहाँ पर हमारा इम्पैक्ट हो रहा है वहीं पर मैं डस्ट को अप्लाई करूँगा, वहाँ से हमारा डस्ट उड़ना शुरू होगा। डस्ट वाला अप्लाई कर दिए हैं, देन डस्ट वाले में आने के बाद में यहाँ पर से ओपेसिटी में आएंगे, ओपेसिटी में की फ्रेम अप्लाई करेंगे, देन शिफ्ट और लेफ्ट एरो की को 1, 2, 3, 4, 5 की फ्रेम अप्लाई करूँगा, इसका ओपेसिटी को कर दूंगा 0, ताकि हमारा जो इम्पैक्ट होगा वो डस्ट आया उसके बाद गायब हो गया। तो आपने देखा हमारा डस्ट का तो ये हो गया है, लेकिन हमारा डस्ट का कलर वाइट है, तो इसको चेंज करने का क्या करना है, यहाँ से सर्च करना है टिंट, तो आपको टिंट मिलेगा, इसको ड्रैग करना है, इस डस्ट लेयर पर ड्रॉप कर देना। इस वाले पोर्शन पर आ जाता हूँ मैं, इस वाले पोर्शन पर आने के बाद में टिंट से इस मैप वाइट 2 का यहाँ से कलर पिकअप चूज करूँगा और इस वाले लेयर पर क्लियर करूँगा, तो हमारा ब्राउन कलर हो गया है, तो हमारा जो डस्ट दिखेगा वो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा होगा यहाँ पर। अब इस डस्ट लेयर को हमें अलाइन करना है, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये एडजस्टमेंट लेयर में हमारा जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है इसको मैं बंद कर देता हूँ ताकि हमें डस्ट को अलाइन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो उसके बाद में डस्ट लेयर को अपन अलाइन करेंगे, तो अलाइन करने के लिए ये जो हमारा ये है इसको क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ से मैं इसका पोजिशन को अलाइन कर लेता हूँ। सो पोजिशन को इधर ले आना है और आप अपना अकॉर्डिंग में देख लेना आपको किस टाइप का अलाइनमेंट चाहिए, तो ऐसे करके मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसी टाइप से आप क्या करना, अब डस्ट को यहाँ पर वेयर हाउस के ऊपर में प्लेस कर देना और इसके बाद में थोड़ा इसका एंगल को भी हम रोटेट कर लेते हैं, तो हमारा जैसे यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है तो ये डस्ट ये आ रहा है और इसका जो ओपेसिटी आप अपने अकॉर्डिंग में देख सकते हो। इसी टाइप से हम सारे में डस्ट को अप्लाई करेंगे, तो हमारा वेयर हाउस में तो हो गया है, अब क्या करूँगा मैं इस लेफ्ट स्लैब के ऊपर मैं डस्ट अप्लाई करूँगा, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक लेयर ऊपर ले आते हैं इसको और इस डस्ट वाले लेयर पर ऑल्ट प्रेस करूँगा, इसको डुप्लीकेट करके इधर ले आऊँगा ताकि हमारा जब स्लैब यहाँ पर हमारा इन हो रहा है तो वहाँ पर हमारा अब डस्ट इफेक्ट आए। सो इसको मैं क्या करूँगा, वापस से इसका पोजीशन और इसका स्केल वगैरह को ये कर लेता हूँ, उसके बाद इसका पोजीशन को ऐसे करके हम एनिमेट कर लेंगे और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा फ्लिप करना है, तो यहाँ से मैं सर्च करूँगा हॉरिजॉन्टल फ्लिप करके, तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल फ्लिप, इसको डस्ट लेयर पर ड्रॉप करना, तो ये हमारा फ्लिप हो गया है हॉरिजॉन्टली और इसके बाद में इसका एंगल को भी चेंज कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर अलाइन कर लेते हैं अपना स्लैब के साइड में, तो आप अपने अकॉर्डिंग में देख के इसको कर सकते हो आराम आराम से। तो इसी टाइप से आप इस डस्ट लेयर को आप अपने अकॉर्डिंग में सभी जगह पर जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। और ये डस्ट का जो ग्रीन स्क्रीन, आपको यूट्यूब में सर्च करोगे डस्ट ग्रीन स्क्रीन करके तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो इतना तक हो जाने के बाद में आपका काम खत्म हो गया है और इस पर आप चाहो तो और अलग अलग इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, जैसा कि कलर ग्रेडिंग कर सकते हो या फिर स्काई ग्लो वगैरह ऐड कर सकते हो, फ्लिकर इफेक्ट जो चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करके करना है। तो सबसे पहले क्या करना, अपना बैकग्राउंड को आप ले आना, जो भी आप बैकग्राउंड में काम करना चाहते हो उस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर ले आना, देन अपना क्लिप को इम्पोर्ट कर लेना। क्लिप को इम्पोर्ट करने के बाद में राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट कर लेना, जिस पोर्शन से आपको ट्रांजिशन लेना है। उसके बाद आपका इस टाइप का लेयर्स क्रिएट हो जाएंगे और उसके बाद में अपना कैरेक्टर और बाकी चीज़ों को आप मास्क आउट कर लेना। मास्क आउट करने के बाद में एनिमेट कर लेना। एनिमेट में सिंपल यहाँ पर पोजिशन वगैरह से किया हूँ, आप चाहो तो स्केल वगैरह के थ्रू भी एनिमेशन कर सकते हो, यानी कि हमारा जो ये कंटेनर ऊपर से आ रहा हो छोटा होकर आ रहा हो और नीचे आके आपका बड़ा हो गया, उस टाइप से कर सकते हो। और ये फॉरेस्ट को मैंने इसका स्केल को एनिमेशन किया है और ऊपर वाला जो हमारा स्काई है, स्काई और ग्राउंड को मैंने ओपेसिटी के थ्रू में एनिमेशन किया है। तो इस टाइप से आप इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर से कर देना वीडियो को, और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। चलो फिर मिलते हैं और किसी नए वीडियो पर, नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।